विराट के बखेरी समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां संजय गांधी अस्पताल में एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ संजय गांधी अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर और गार्डन के द्वारा जम के मारपीट की गई। बताई दे कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के द्वारा मारपीट करब इहन आम बात हुई गई। सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी के द्वारा आए दिन अटेंडर और संजय गांधी में एम्बुलेंस चलावे वाले ड्राइवरन के बीच मारपीट होत रहा थी। ताजा मामला एक बार फिर सोहे आवा है, जहां एम्बुलेंस ड्राइवर सलमान खान के साथ सिक्योरिटी सुपरवाइजर और गार्डन के द्वारा जम के मारपीट की गई। ये बताइए क्या घटना हुई है, क्या है मामला है? कल मामला हुआ था, कल रात को 3 बजे आए इलाहाबाद से, तो पुराने गेट पर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो एक पार्टी वाला आया, बोला भैया घूमे जाना है बाड़ी छोड़ने। हाँ, बाड़ी कहाँ है? 3 नंबर में। तो हम बोले भैया बाड़ू पर अलाउ नहीं है, आप बाड़ू का उतार लाइए। अरे भैया हम अकेले हैं, लेडीज साथ में, 2 जन ये ना है, तो आप चलिए साथ में, उतरवा ली गाड़ी है। तो इससे चल लेके ऊपर गए, तो वो गार्ड वाला बोला हम तुमको फ़ोन लगा बुलाए हैं, तो पैसे चाहिए। हाँ, क्या कुछ फ़ोन करने लगाए उनको, हमारे पास पार्टी खुद आ रही है। तो हम जगह बहुत फ़ोन लगाएँ, बोले एम्बुलेंस वाला अंदर घुसा हुआ है, दोनों से मिल के मारपीट करने लगे। हमारे कौन कौन मारे हैं? जगह बहादुर सिंह थे सुपरवाइजर, और ये गार्ड था। किस बात को लेकर ये मारपीट की? दलाली चक्कर में, और हम बाड़ू का उदान ले गए, तो बोले बाढ़ के अंदर कहा आ गए। हमेशा ये मारपीट करते हैं लो, आप लोगों के द्वारा, आप लोग साथ में 3500 रुपये बुकिंग के लिए चाहिए। कितना मांग रहे थे? 3500 रुपये लिए रहे हैं हम बुकिंग के इलाहाबाद का, वहाँ निकल गए। पैसा मांग रहे थे, निकल गया पैसा, वहाँ निकल गया। कई बार पहले भी मारपीट कर चुके हैं आप लोग साथ में? दूसरे भाई लोग सकते हैं बातचीत, हमारे साथ मारपीट कर ली गई है। पहली बार की है आप? क्या नाम है आपका? सलमान। इनके साथ हमारे एम्बुलेंस एक चलाते हैं, हमारे बड़े पापा के लड़के हैं सलमान खान जिसका नाम है। ये क्या हुआ कि पार्टी नीचे आई थी रात को, तो इन्हें यहाँ बर्ड बॉय और गार्डमैन की तो दलाली चलती है, तो गार्ड वाला इसे फ़ोन लगाया होगा, तो ये पार्टी नीचे आई, तो ये पार्टी को लेकर चला गया। जब ये पार्टी को लेकर गया, तो गार्ड वाला बोला हमें दलाली चाहिए। ये बोला भाई दलाली किस बात की, पार्टी नीचे आई थी क्या है? यहाँ संजय गांधी में बर्ड बॉय और गार्ड वाले, तो जब तक बॉर्ड बॉय क्लियर नहीं करवाता है, जब तक किसी एम्बुलेंस वाले को बुला नहीं लेता है बॉडी के पे पैसे लेने के लिए, तो दलाली के पीछे उससे झगड़ा हुआ। और वो बता रहा है कि उससे 3500 रुपये भी वो इलाहाबाद कर गया था, एक बॉडी लेके इलाहाबाद क्रियाकर्म कराने गया था, जिसलिए उससे 3500 रुपये भी छुड़ा लिए गए हैं। अच्छा, ये हाँ। और आए दिन ये संजय गांधी से ये सिलसिला चल रहा है, आज कई साल 6 महीने के अंतराल से, कि बॉर्ड बॉय और गार्डमैन से सिर्फ दलाली के पीछे ही। कई बार इनके सुपरवाइजरों को रिकॉर्डिंग और कॉल डिटेल्स भी भेजी गई है, मैं अपने व्हाट्सअप नंबर से खुद भी भेजा हूँ, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आए दिन भी इनके ऊपर कई आए दिन रोज किसी न किसी को मारने की पीटने की, ये गार्डमैनों की ये वो बन चुका है। क्या थाने में शिकायत हुई थी? थाने में हम रिपोर्ट करके आए हैं, थाना मैया में हुई है। हाँ, हुई है। क्या कहा गया थाने में? वहाँ से कार्रवाई के लिए कहा गया है। किसने मारपीट की है, क्या नाम? जग बहादुर सिंह ने और उनके डिपार्टमेंटल जो गार्डमैन है उन्होंने। कितने लोग थे मारपीट करने? मारपीट करने में 3-4 गार्डमैन और एक जग बहादुर उनके सुपरवाइजर। रीवा जिला के बिछिया थाना क्षेत्र के कनौजा गांव में पशु क्रूरता के मामला सोहे आवा है। अपना पंचन का बताए दे कि पेट्रोल पंप संचालक द्वारा दूसरे गांव से मवेशीन का लावागा रहा, जहां गांव के लोगन के द्वारा पेट्रोल पंप के सोहे प्रदर्शन कीनगा। ए दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा जय श्री राम और मुर्दाबाद के नारा लगावा गया है। मौका में बिछिया थाना प्रभारी तहसीलदार और पुलिस बल पहुंचा और लोगन का समझाइश दी सी। आई सुनीत हैं यह मामला कलई के CSP शिवाली चतुर्वेदी और गांव वाले का कहा थे। कब से जानवर यहाँ पे बंद करके रखे हैं, क्या है, क्या पूरी घटनाक्रम है? क्या पूरी घटना ऐसी है कि ये पेट्रोल पंप के संचालक जो है कमल फीलिंग के संचालक कमल किशोर जी के द्वारा जो है पिछले 1 माह से पशुओं का परिवहन किया जा रहा है। पशुओं को ला करके ये यहीं पे छोड़ देते हैं अपने पेट्रोल टंकी के पास में,
जिसमें ये 20-20 की संख्या में ट्राली में भर करके पशुओं को लाते हैं, और कहीं पेट्रोल टंकी में कई बार इन्होंने नहर के पास इन्होंने पशुओं को छोड़ा है, और ये यही व्यापार करते हैं इसी तरह का जो है, पशुओं का अपने गाँव पर पैसा इकट्ठा करके और फिर यहाँ पर जो है पशुओं को छोड़ते हैं। और इन्होंने कल रात्रि पे जो है 100 की संख्या में इन्होंने पशुओं को 4-5 बार ला करके यहाँ पर ये छोड़े हैं, और जो कि सभी पशु यहाँ पर पीछे साइड में इनके एकत्रित हैं। इन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं पशुओं को, हमको कैसे इसके अंदर रखना है, कैसे उतारना है, और ये बस अपना एक गेट खोल देते हैं, वहाँ से पशु पूरे गाँव की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। पूर्व में भी क्या शिकायत की है आपने इसकी? नहीं, पूर्व में इसकी शिकायत नहीं हुई है, लेकिन सभी पशु इनके पेट्रोल टंकी के पास में रहते हैं, और हर बार सभी ग्रामीणों को पता है हर बार पशुओं की संख्या बढ़ रही है। हम लोग पूरी रात जो है तो खेती को अपनी ताकते हैं, और हम लोगों ने कई बार पशुओं को बांधने का प्रयास भी किया, 10-20 पशु जब होते हैं, लेकिन हर बार जो है हर हफ्ते पशुओं की संख्या बढ़ती है। प्रशासन को सूचना दिए हैं? जी, प्रशासन को कल शाम को सूचना दी गई थी पुलिस प्रशासन को, और 100 नंबर की गाड़ी को ही बताया गया था, जिसमें कल पुलिस प्रशासन शाम को आए थे, और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आज सुबह तक जो है इनके द्वारा सभी पशुओं को हटा दिया जाएगा। अभी कुल कितने जानवर होंगे अंदर? अभी 200 के लगभग जानवर हैं। यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी 200 के लगभग जानवर हैं। हम लोग पेट्रोल टंकी के सामने आकर के हम लोगों ने कई बार आग्रह किया कि आप पशुओं को उचित व्यवस्था बनवाइए, लेकिन ये बार बार सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं, और टाल मटोल करते करते ये 11:30 बज गई है, और हम लोग बड़े सुबह 6 बजे से यहीं पर बैठे हुए हैं, और हम लोग पेट्रोल टंकी के सामने अपना प्रदर्शन कार्य कर रहे हैं जो कि शांतिपूर्ण चल रहा है, और जब तक ये पशुओं की व्यवस्था प्रशासन और कमल फीलिंग स्टेशन के मालिक कमल किशोर जी के द्वारा नहीं कर दी जाती, तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। प्रशासन से कोई बात हुई आपकी अभी तक? क्या कुछ पुलिस आई? क्या से कोई भी व्यक्ति नहीं आया है जिससे हम बात कर सके, जबकि हमने सूचित सबको किया है, हमने यहाँ के जनपद सदस्य, हमने यहाँ के जिला पंचायत मेंबर, हमने यहाँ के विधायक जी को सभी को सूचना दी है, थाने पे सूचना कल से है, लेकिन कोई प्रशासन के व्यक्ति अभी तक यहाँ पर आकर के बात नहीं किया। पुलिस आई है क्या यहाँ पर? पुलिस कल भी आई थी, और पुलिस के कुछ लोग आज भी आए हैं। तो क्या कहना है उनका, पुलिस का क्या कहना है? अभी उनसे ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है जिसपे हम लोग किसी भी तरह से स्पष्ट रहे कि उनका कहना क्या। नाम है आपका? जी, विपिन मिश्रा नाम है मेरा। जी हाँ, कनौजा गांव में प्रदर्शन हुआ है, और इसमें मामला जहाँ तक सामने आया है कि पेट्रोल पंप के संचालक पास के गांव से कुछ मवेशी लेके आए थे, और वो गौशाला में शिफ्ट करना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपने बाड़ी में रखा हुआ था, और गांव वालों को जानकारी लगी कि गांव में लाके छोड़ रहे हैं, उसी को लेके यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं। तो क्या कुछ निर्णय हुआ यहाँ पर? इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं पेट्रोल पंप संचालक जो हैं, कि आप दूसरे गांव से कैसे मवेशी बिना परमिशन के लाए हैं, तो उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, और बाकी गांव वालों को समझा दिया है। ठीक, जानवरों को शिफ्ट करवा रहे हैं हम, नगर निगम का वाहन आ रहा है तो गौशाला में शिफ्ट करवा रहे हैं। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के नेतृत्व में गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत शराब तस्कर के अवैध निर्माण में प्रशासन के बुलडोजर चला है। अपना पंचन का बता दें कि शासकीय जमीन में कब्जा कई के दुकान बनाई गई रही, और ओ मां अवैध शराब के बिक्री करे वाले अशोक द्विवेदी उम्र 46 साल रहे वाले गढ़वा थाना गोविंदगढ़ जिला रीवा के दुकान का निवेदिता त्रिपाठी नायब तहसीलदार हुजूर रीवा और गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिव अग्रवाल चौकी प्रभारी सिपुरवा सुशील सिंह की उपस्थिति में अवैध दुकान का जमीदोज कई दिन का है, और आरोपी के ऊपर अवैध शराब बेचे के 10 से अधिक मामला दर्ज है। अशोक द्विवेदी गढ़वा श्रीपुरवा चौकी के अंतर्गत निवास करते हैं। ये एक गढ़वा में अवैधानिक रूप से एक निर्माण बनाए थे और उसमें शराब का कारोबार करते थे। पिछली दिनों इनसे 10 प्रकरण इनके शराब के पंजीबद्ध हैं, और ये बार बार रिपीट कर रहे थे। इनका एक अवैध निर्माण जो था उसको कल पुलिस ने राजस्व के माध्यम से ध्वस्त गिरा दिया। जो ये 10 प्रकरण है वो 34(1) की कार्रवाई है शराब बेचने का, इसमें पुलिस के स्तर पर ही उसको उचलके में छोड़ा गया है। खबर रीवा से ही, जहां लोकायुक्त पुलिस सिंगरौली जिला में बड़ी कार्यवाही की हिस्सी बताए दी कि असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक त्रिपाठी नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड कार्य स्वतलेत रंगे हाथ गिरफ्तार कैलिनगा है। आवेदक उमेश कुमार साहू सीधी के रहे वाले आही, जिनसे असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा प्रोजेक्ट में लगी वाहन जीप के बिल राशि 4,80,000 रुपया और 36,000 रुपया सिक्योरिटी मनी निकाले के एवज में 12,000 की रिश्वत मांगी गई रही।
आरोपी की शिकायत लोकायुक्त से की गई रही ही, जेके बाद रीवा लोकायुक्त के टीम आरोपी के सिंगरौली स्थित घरे में पहुंची। बताए दी के 12 सदस्यीय टीम के साथ मिलके यह कार्यवाही की गए और रिश्वत ले धर दबोचा था। रीवा जिला में नए साल के शुरुआत से पहले शहर के मंदिरन में भक्त और सैलानी के भीड़ का देख के जिला प्रशासन और पुलिस तैयारी शुरू कर दी सी। बताए दी के नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी बताएं कि शहर के महामृत्युंजय मंदिर, किला रानी तालाब, चिरहुला मंदिर, फूलमती मंदिर के निरीक्षण की गा है। निरीक्षण किया गया मैडम, कैसे किसको देखते हुए? ये सारे निरीक्षण जो किए जा रहे हैं आज, वो 31 को जो सेलिब्रेशन होता है न्यू ईयर के उपलक्ष में, उसको देखते हुए किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं और SDM साहब चिरौला मंदिर गए हुए थे, साथ ही जो नहर है वहाँ पर भी हमने निरीक्षण किया है और वहाँ पर व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की हैं। साथ ही रानी तालाब में जो मंदिर है वहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है। आज खातिर इतने, बघेली में बिंदी के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।